नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत जल्दी ही चलाना चाहते हैं, मतलब जिस एज में बच्चों को चलना चाहिए उस एज में बच्चा चलने लगे प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको यहाँ एक ऐसा ऑयल बताऊँगी जिससे अगर आप बच्चों की मसाज करेंगे, मालिश करेंगे उनके पैरों की, तो उससे क्या होगा, बच्चों का जो चलने की जो कैपेसिटी है वो जल्दी चलने लगेगा और साथ ही साथ में उसके जो पैरों की हड्डियां हैं वो भी मजबूत होंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो ऑयल क्या है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी उस ऑयल के बारे में, लेकिन आपको इस ऑयल को लगाने से पहले इस बात का भी ध्यान देना है कि सारा काम सिर्फ ये ऑयल ही नहीं करेगा, आपको साथ साथ में अपनी खुद की भी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, खुद भी टाइम देना पड़ेगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चलने, अगर आपको आपका बच्चा साइन देता है कि वो चलने लगा है, मतलब आप उसकी दोनों उंगलियां पकड़ के, मतलब अपनी उंगलियां पकड़ा के उसको एक आध स्टेप चलवाने की कोशिश करते हो, वो चलने लगता है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा जो है वो चलने लगा है, उसको और ज़्यादा मसाज की ज़रूरत है, वो चलने की प्रोग्रेस में हो चुका है, वो चलने ही लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ देना होगा, उसके साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। तो आपको जो मसाज करना है वो है डाबर लाल तेल। जी हाँ दोस्तों, डाबर लाल तेल से क्या होता है, बच्चों की जो बोन्स हैं पैरों की वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। आप अगर इस तेल से बच्चों की मसाज करेंगे, आपका बच्चा इस साइन को दे रहा है और नहीं भी दे रहा है, तो भी आप अगर इस तेल से रेगुलरली मसाज करते रहेंगे तो आपके बच्चे की जो पैरों की हड्डियाँ हैं वो मजबूत होंगी और उसको चलने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी मम्मी लोगों के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, बच्चों की जो मसाज है वो डाबर लाल तेल से करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसे ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।